लेट्स मोर ऑन दिस फ्रॉम हर सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कितना वक्त हुआ है शूट करते हुए अली बाबा के लिए और किस तरीके का रिस्पांस आपको आपके किरदार के लिए मिल रहा है एंड इट्स गोइंग रियली वेल रिस्पॉन्स तो काफ़ी अच्छा मिल रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे सब बोल रहे हैं मैं बहुत परी जैसी दिख रही हूँ प्रिंसेस प्रति प्रति क्यूट क्यूट सो मुझे रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिल रहा है सो so, जब आपको ऑडियंस से रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो आपको यू you नो know, हम उनके लिए काम कर रहे हैं अगर आपको उनसे प्यार मिल रहा है तो उससे अच्छा क्या ही हो सकता है <laughs> तो जब ये किरदार आपको ऑफर हुआ था ऑफकोर्स आई एम श्योर आपको तनिषा के बारे में पता होगा तो क्या कोई आपके दिमाग में इनडेशन थी कि यू नो एक ऑलरेडी एक ऑडियंस ने एसोसिएट कर लिया है किरदार को इस सीरियल के साथ तो कोई ऐसा लगा कि मैं कैसे करूँ या कोई इनिबिशन क्या, क्या था आपका फर्स्ट जब था किरदार ऑफर हुआ सी बिल्कुल आई फील इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जो हुआ एंड इट्स रियली सैड Uh, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो बोलूँगी ऐसा होना नहीं चाहिए था बट देन सिंस रियलिटी इज़ समथिंग डिफरेंट एंड वी हैव टू एक्सेप्ट तो अब जब एक्सेप्टेंस के साथ मैं बोलूँगी कि वो एक बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस रही हैं एंड शी इज़ अ वंडरफुल आर्टिस्ट मैंने उनके बारे में बहुत अच्छा अच्छा सुना है शी वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल सोल ऑल्सो एज अ ह्यूमन मैं उनसे तो कभी आज तक मिली नहीं हूँ पर मैंने जितना सुना है बहुत प्यारी सी लड़की थी वो सो एंड ऑल्सो दैट वो एक्टिंग इतना कमाल का करती थी सो ऑब्वियसली लाइक यू नो उनके जितना तो ऐसा है कि आई जस्ट होप कि मैं नाइन्टी नाइन परसेंट अगर उनके जितना कर भी लूँ ना सो इट्स अ विन विन फॉर मी बिकॉज ऑडियंस आप यू नो जैसे आपने बोला उनको एक आदत हो जाती है सो आई एम आई एम जस्ट यू नो आई एम जस्ट ट्राइंग कि ऑडियंस मुझे उतना ही प्यार दे uh, मुझे एक्सेप्ट करने की कोशिश करे मैं उनके लिए ढेर सारे खुद के एफर्ट्स डालूंगी कि उनके एक्सपेक्टेशंस पूरे हो यू नो बिकॉज इन द एंड वी लिव फॉर यू आपका प्यार नहीं मिलेगा तो हम कुछ भी नहीं है राइट right. तो जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपका फर्स्ट थॉट क्या था जब आपको ये किरदार ऑफर हुआ uh, क्या क्या कोई आपके सेकंड थॉट्स आए मतलब फर्स्ट जो इनिशियल थॉट था इनिशियल थॉट इज सी दिस इज लाइक वी आर एक्टर्स एंड दिस इज ब्रेड एंड बटर वी लिव लाइक आर डिपेंड्स ऑन आर वर्क तो जब मुझे ये ऑफर हुआ था मैं बहुत ग्रेटफुल फ़ील कर रही थी आई वॉज़ फीलिंग ब्लेस्ड कि चलो मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है बिकॉज आप जैसे देख रहे हो मुझे शहज़ादी का रोल करने मिल रहा है उसमें इतने प्यारे कॉस्ट्यूम्स और मेरा ये सेकेंड शो है सोनी सब के साथ सो आई मीन आई वॉज़ सो एक्साइटेड कि मुझे फिर से काम करने मिल रहा है बिकॉज़ सोनी सब के शोज़ इतने ज़्यादा एंटरटेनिंग और फैमिली ओरिएंटेड काफ़ी ड्रामा और इसमें तो एडवेंचर भी है काफ़ी सारा सो so आपको मतलब मुझे इसमें काफ़ी सारी नई चीज़ें करने मिलेगी जो मैंने पहले नहीं की जैसे एडवेंचर और फिर काफ़ी सारे एक्शन सीक्वेंस जो मेरे फोटे के तो नहीं है बट मुझे उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बट एक्टर वो एक्टर क्या जो मेहनत करके अपने आप को प्रूव ना करे सो so, बस अभी यही है कि मैं अपनी हंड्रेड परसेंट डू अपने आप को प्रूव करूँ एंड आई फील ग्रेटफुल कि मुझे ये रोल मिला है बिकॉज मैंने जब इसका ऑडिशन दिया था हम इतनी सारी लड़कियां थी जो एक ही चीज़ के लिए कंपीट कर रही है कि हमें ये करना है बट ऑलवेज लाइक जैसे कि अगर हमें मुझे नहीं पता है कि आप बिलीव करते हो कि नहीं बट मैं तो बहुत बिलीव करती हूँ कि मैनिफेस्टेशन आपके अंदर ही इतनी पावर होती है कि अगर आप ख़ुद को देख लो ना एक चीज़ में कि मुझे ये करना है तो पूरा यूनिवर्स पूरी कायनात आपको इसमें लग जाती है ओके <laughs> okay, uh, तो अभिषेक के साथ केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन ओन स्क्रीन ऑफ कैसा बॉन्ड आप लोग सो ऑन स्क्रीन ही इज़ अ वंडरफुल एक्टर ही इज़ द अभिषेक निगम मतलब उनके साथ मैं काम कर रही हूँ तो इट्स अ रियली गुड फीलिंग वो अच्छे एक्टर है काफ़ी और उनके साथ काम करने में बड़ा मज़ा भी आता है इफ़ आई टॉक अबाउट ऑफ स्क्रीन बिकॉज हमारी फ्रेंडशिप बहुत पहले से अगर मैं बात करूँ पाँच छः साल से हम काफ़ी फ्रेंड्स रहे हैं तो ऐसा हमारे बीच में कोई ऑकवर्डनेस नहीं है कोई सीन आता है तो हम दोस्तों के तरह पूरे मजे से लाइन एक दूसरे के साथ करते हैं कि हम दोनों कोई भी भूले नहीं और साथ में ही हम मेक श्योर sure करते हैं कि अगर मैं कुछ भूल रही तो मुझे याद करा दे सो right. so, ये सब मतलब हमारी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप बॉन्ड है तो वो कहीं ना कहीं हेल्प हो जाती है हमारे एक्टिंग में हमारे परफॉर्मेंस में <laughs> okay, अगर बात करें आपकी लुक की तो जैसे आपने कहा कि यू वेरी एक्साइटेड टू शहजादी लेकिन अगर मैं आपसे पूछू ना कि ये ऐसे कपड़े पहनकर

मुझे ये चुप गया मुझे वो चुप गया हमें रोज वो फेस करना पड़ता है सो आई थिंक बट वी आर यूज टू हमारा काम वो है बट

यू you नो know, आपके थॉट्स में होते ही हैं कहीं ना कहीं पर मैं इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा ये थी कि यू नो एज मैंने आपको बोला आई एम एन एक्टर माय लाइवलीहुड डिपेंड्स ऑन इट ओनली नॉट माइन ये सेट पे सौ से दो सौ लोग काम कर रहे हैं प्रोडक्शन से लेके हर किसी हर किसी का मतलब हम ये शो ऑलरेडी चल रहा था तो अभी आगे हमें कैसे बढ़ाना है कौन सी स्टोरी लाइन के साथ हमें आगे बढ़ाना है बिकॉज़ लाइफ हैज़ टू यू नो लाइफ एक जगह पे रुकती तो है नहीं तो वो ऐसे भी हम आगे तो बढ़ ही रहे हैं तो अब वो चीज़ तो हमें एक्सेप्ट करनी है कि हम विद टाइम वी आर गोइंग अहेड सो वो चीज़ मेरे दिमाग में रखते हुए एंड ऑल्सो दैट आई एम एन एक्टर यही मेरा काम है सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड दैट आई एम गोइंग टू प्ले दिस रोल आई वॉज नॉट लाइक आई एम समवेयर नर्वस की कंपेरिजन और ये सब होती है डेफिनेटली बट uh -huh. Um, अभी तक तो डेफिनेटली येस yes, होती तो है ही बट मैं से सिर्फ यही कह सकती हूँ कि मैं अपना हंड्रेड परसेंट दे रही हूँ मैं हर एक आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करने की कोशिश करूँगी जो आप एक्सपेक्ट करते हैं हमसे और मुझे आई जस्ट होप कि आप मुझे बेशुमार मोहब्बत और प्यार देते रहे